नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के भवननाथ चौराहा व नरौली तिराहा पर सोमवार को दिन में आरटीओ प्रशासन आर्यन चौधरी के नेतृत्व में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों की जांच कर कार्यवाही की। इस दौरान आरटीओ प्रशासन ने कहा कि आज का दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जिस प्रकार से हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वहीं इस दिन वह चालकों को बताने निकले हैं कि आज ही नहीं प्रतिदिन वह यात्रियों से अच्छा व्यवहार करें, वर्दी में चलें, सही किराया वसूल करें, इसके अलावा अन्य जो नियम कानून है उसका पालन करें। टीम ने इस दौरान वाहनों की फिटनेस और अन्य मानकों की जांच की। आरटीओ प्रशासन ने बताया कि एक ट्रैक्टर जिस पर गन्ना की ओवरलोडिंग की गई थी उसके सभी कागजात और अन्य मानक सही थे, लेकिन ओवरलोडिंग के चलते उसका चालान किया गया है। आरटीओ ने कहा कि उनका उद्देश्य मुख्य रूप से सही तरीके से वाहनों का परिचालन कराना है। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित परवार की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा सर चेकिंग अभियान किया गया है सर, और क्या है सर? नहीं नहीं, आज हम चेकिंग अभियान नहीं चला रहे हैं। आज तो भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए एक महान ऐतिहासिक दिवस है और हम सब भाग्यशाली हैं कि इस महान ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बन रहे हैं। तो हम लोग चालकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आज ही नहीं सदैव के लिए बिहेवियर में ये कल्टिवेट करें कि कभी भी यात्रियों के साथ खराब व्यवहार ना करें, गलत किराया ना लें, बाकायदा नियम कानून का पालन करें और वर्दी में रहें तो और अच्छा होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और जिन जिन यात्रियों को ढोएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और ये तो गन्ने की गाड़ी है, इनका कागज़ प्रपत्र सब सही है, इनकी फिटनेस और ट्रैक सही है, थोड़ा इनका गन्ना बढ़ा हुआ है तो हमने चालान किया उसके लिए, और कोई इनमें विशेष प्रॉब्लम नहीं है। बस आज का हमारा उद्देश्य है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ये व्यवहार जो आज दिखा रहे हैं इसको हमेशा के लिए अपने बिहेवियर में शामिल कर लें। अभी हमने नरौली पर किया है और यहाँ इस चौराहे पर किया है। और भी क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि विभाग की, परिवहन विभाग की, चालक संवर्ग की, उत्तर प्रदेश सरकार की और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को जितना बेहतरीन कर सकते हैं करें, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।